Hi everyone, this is आज हम बात करेंगे क्रिम्सन रोज बटरफ्लाईज की थाउजेंड्स ऑफ दीज बटरफ्लाईज दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका तमिलनाडु से श्रीलंका की तरफ ये गई ट्वेंटी फाइव किलोमीटर नॉन स्टॉप फ्लाई करके इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मे अज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी मैं आपको बता दूं आप वीरो थ्री थ्री कोड यूज़ कर सकते हैं कोई भी हमारा कोर्स लेते हुए इस टाइम डबल वैलिडिटी चल रही है हमारे सभी कोर्सेज पे अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको थर्टी थ्री परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा राइट बाकी आप क्वेरीज के लिए हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और ये जो डबल वैलिडिटी वाला ऑफ़र है ये ट्वेंटी फेब टू ट्वेंटी एट तक ही है बाकी प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं नाउ कमिंग बैक टू अ डिस्कशन देखिए प्रिस्टीन बीच है धनुष कोडी का सदर्न मोस्ट टिप जो रामेश्वरम आइलैंड का है यहाँ पे ये इंडियन पेनलसूला का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है यहाँ से ये फेनोमेना नोटिस किया गया कि बहुत सारी बटरफ्लाइज़ जो हैं श्रीलंका की तरफ जा रही हैं और बटरफ्लाइज़ आप मान लीजिए कि थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ दम तो इसको बोलते स्वमिंग जब बहुत सारे इस तरह के इंसेक्ट्स या बटरफ्लाईज इकट्ठे फ्लाई करती हैं ग्रुप्स में इसको बोलते हैं स्वमिंग और ये फ्लारिंग प्लांट्स बीच पे अवेलेबल थे उनसे नेक्टर कलेक्ट करने के बाद ये फ्लाई करके श्रीलंका की तरफ गई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धनुष कोडी और देन दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स श्रीलंका तो ये मैप पर आप इसको इनका रूट देख सकते हैं क्रिम्सन रोज जिस तरह से पिक्चर में यहाँ पे विजिबल है ये एक बहुत लार्ज और ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है ब्लैक वाइट और क्रिम्सन कलर्स इसकी विंग्स जो हैं उन पर आपको दिखेंगे इसकी बॉडी पे दिखेंगे और ये इसीलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये सी से फ्लाई करके माइग्रेट करके श्रीलंका जाती है और एक्सपर्ट्स का मानना है जो ये रिसेंट माइग्रेशन है धनुष कोडी से ये बहुत सिग्निफिकेंट है देखिए हमने बहुत बार देखा है कि एनिमल्स माइग्रेट करते हैं यहाँ पे हम इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं तो बटरफ्लाईज यूजली माइग्रेट क्यों करती हैं या तो फूड की तलाश में कि जिस एरिया में ऑलरेडी वो रह रहे हैं वहाँ पे होस्ट प्लांट्स नेक्टर कलेक्ट करने के लिए या फिर जिन प्लांट्स पे फीड करते हैं वो सफिशेंट नहीं है या फिर क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए कभी विंटर्स हाश हैं या समर्स हाश हैं या फिर रेन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो आप देखेंगे ये बटरफ्लाइज माइग्रेट करती हैं माइग्रेशन पैटर्न शो करती हैं अब यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं द नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी के उन्होंने ये फेनोमेना हर स्टेज पे ऑब्जर्व किया है कि किस तरह से ये फूड कलेक्ट कर रही हैं किस तरह से नेक्टर कलेक्ट कर रही हैं फूड के लिए कहाँ कहाँ रुक रही हैं और फिर फ्लाई कर रही हैं वन बाय वन उन्होंने इस हर एक स्टेज को डिटेल में स्टडी किया है पूरे कोस्ट लाइन के थ्रू इनकी जर्नी देखी है कि किस तरह से एक एक बटरफ्लाई कोस्ट लाइन को इस तरीके से देख रही है जैसे ये उनके लिए एक प्री डिटर्म पाथ है कि उनको रास्ता पता है और वो अपनी जर्नी वहाँ पे कंटिन्यू कर रही हैं क्रिमसन रोज़ेस जो हैं इनको बहुत जगह स्पॉट किया जाता है जैसे इपोमिया फ्लार्स पे आपके हाफ लीफ फ्लार्स होते हैं बीच पे उन पे इनको देखा जाता है उसके बाद इनकी गैदरिंग जो है कैलोट्रोपिस गेंटिया प्लांट है एक ये एक ही तरह का प्लांट है इस पे, वहाँ पे ये बटरफ्लाइज आपको मिलेंगी ऑलमोस्ट हर बटरफ्लाई इस फ्लावर पे थर्टी सेकेंड स्पेंड करती है नेक्टर कलेक्ट कर रही थी ये जो इनकी स्टेजेस इन्होंने माइग्रेशन की देखी नेक्टर कलेक्ट करती थी थर्टी सेकेंड्स के लिए और फिर अपनी जर्नी श्रीलंका की तरफ कंटिन्यू करती थी और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो क्रिम्सन रोज़ है ये टी एन बी एस के लोग जो इसको स्टडी कर रहे हैं ये स्वैलो टेल्स फैमिली से बिलोंग करती है और ये हमेशा कोस्ट के साथ साथ माइग्रेट करते हैं और कई बार सी को भी क्रॉस करते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं अब जैसे क्रिम्सन रोज़ेस सी को क्रॉस कर रही है रामेश्वरम से और अब इनका प्रेजेंस श्रीलंका में भी रिपोर्ट किया गया है अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पाई जाती है ये स्पीशीज़ तो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट जो हैं आपके डेंस स्क्रब जंगल्स ओपन कंट्री यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट जो होते हैं आपके वहाँ पे ये बटरफ्लाई पाई जाती है और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेमी एवरग्रीन या एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी आपको मिलेगा ये स्पीशीज़ मेन लैंड श्रीलंका में पाई जाती है पेनसुलर इंडिया में और इंडिया पेनिंसुलर पार्ट से लेकर वेस्ट बंगाल तक आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और उसके बाद अंडेमान में भी रिपोर्ट किया गया है इसको स्पॉट किया गया अंडेमान निकोबार आइलैंड में वेस्टर्न म्यांमार और बांग्लादेश में आयु स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है बिकॉज इसकी पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है किसी तरह का इसको बहुत ज़्यादा थ्रेट जो है वो नहीं है करंट ऑब्ज़र्वेशन्स हमको बताती हैं कि ये माइग्रेशन बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बटरफ्लाइज इस बार माइग्रेट करके गई हैं जिनको रिपोर्ट किया गया है और इनके फूड के लिए कहाँ कहाँ रुकी फूड स्टॉप्स जो इन्होंने लिए वो भी रिपोर्ट किए गए हैं अब ये जो टीम है इन्होंने इसी तरह का एक और इंसिडेंट लेकिन इतने बड़े स्केल पे नहीं थोड़े लोअर स्केल पे देखा है कन्याकुमारी की कोस्ट लाइन्स पे भी जहाँ पे ये माइग्रेशन देखी गई है अब देखिए धनुष कोडी क्लोजेस्ट इंडियन बीच है श्रीलंका से क्योंकि बहुत ज़्यादा भी जैसे जो वीक इंसेक्ट्स uh, होंगे या वीट वीक ऑर्गैनिजम्स होंगे वो बहुत ज़्यादा भी फ्लाई नहीं करेंगे तो वो मिनिमम जो डिस्टेंस रहता है उसको चूज करते हैं इस तरह से बाकी एनिमल्स भी आपने देखा माइग्रेट करते हैं मानसून आने से पहले वेस्टर्न घाट्स में भी इस तरह की जो माइग्रेशन हैं वो बहुत प्रोमिनंट हैं अब बटरफ्लाई स्पीशीज़ जैसे कॉमन एमिग्रेंट है या कॉमन एल्ब्रॉस है लाइम बटरफ्लाई है ये भी माइग्रेशन ऐसे जो है लार्ज ग्रुप्स में ये माइग्रेट करते हैं तो बटरफ्लाइज के बारे में हम ऑलरेडी भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करते हैं कि कौन कौन सी नई स्पीशीज़ इसमें बहुत सारी अभी स्पॉट की जा रही हैं जो बिल्कुल नई स्पीशीज़ हैं सिक्किम में देखा गया जिसको हम सिक्किम को लैंड ऑफ बटरफ्लाइज भी कहा जाता है रिसेंट एक वीडियो भी मैंने बनाई थी चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर पर यह एक नई स्पीशीज़ है चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर इसका साइंटिफिक नेम है जोग्राफिटस जोनग्वेंसिस और ये सिक्किम में नॉर्थ सिक्किम में पाई जाती है जहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया है इस पर आप ये वीडियो भी देख सकते हैं लेटेस्ट अब नॉर्मल बटरफ्लाइज़ क्या हैं ये इनको हम इंसेक्ट्स ही बोलते हैं लेकिन अगर आप देखेंगे हर एक ऑर्गेनिज्म का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि उसका फाइलम क्या है उसका ऑर्डर क्या है उसकी स्पीशीज़ क्या है राइट उस तरीके से बटरफ्लाइज़ जो हैं ऑर्डर लेपिडोटेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं और अगर आप फाइलम देखेंगे आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं और ये वही फाइलम है जिसमें आपके मॉथ्स भी बिलोंग करते हैं मॉथ्स और बटरफ्लाइज देखने में बहुत एक जैसे लगते हैं बट देर आर मैनी डिफरेंसिस बटरफ्लाइज यूजली कलर्ड होती हैं मॉथ्स आपको ड्राई कलर्स में मिलेंगे एक्सेप्शन आर देयर बट यू कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ बटरफ्लाई एंड मॉथ बट बोथ ऑफ देम बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा अब एडल्ट बटरफ्लाइज जो होती हैं वो साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं ब्राइटली कलर्ड विंग्स होते हैं और उनकी फ्लटरिंग फ्लाइट आपको देखने को मिलेगी सिग्निफिकेंस बटरफ्लाइज़ का क्या है एक रिच बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं बटरफ्लाइज जहाँ पे हैं वहाँ का इकोसिस्टम इंडिकेटर हैं कि वहाँ का इकोसिस्टम हेल्दी है तो इसको इंडिकेटर स्पीशीज़ भी बोला जाता है क्योंकि ये इंडिकेट करती हैं अबाउट द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम अब इन्वायरमेंटल बैलेंस भी ये एक तरीके से बना के रखती हैं क्योंकि इनके इन्वायरमेंट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मेन फंक्शंस है कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं पॉलिनेटर का रोल प्ले करती हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है और दूसरी बात ये एज अ प्रे दूसरी स्पीशीज़ के लिए ये खाना भी हैं फूड सोर्स भी हैं इसलिए ये एक हेल्दी इन्वायरमेंटल फूड वेब जो है वो फॉर्म करती हैं अब पॉलिनेशन जो है ऑलमोस्ट uh, आपको वन थर्ड प्लांट्स जो फ्रूट्स बेयर करते हैं उनके लिए आपको बीज और बटरफ्लाइज की ज़रूरत है उनकी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए तो ये एक्सीलेंट पॉलिनेटर्स मानी जाती हैं अब एडल्ट बटरफ्लाइज किस पे फीड करती हैं खाती क्या है फ्लोरल नेक्टर जो फ्लावर्स हैं उनसे नेक्टर कलेक्ट करती हैं और पॉलिनेशन के साथ साथ ये नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट भी करती हैं जिन एरियाज़ में बटरफ्लाइज मॉथ्स पाए जाते हैं वहाँ पे आपका एक नेचुरल तरीका है पेस्ट मैनेजमेंट का भी तो ये सब था बटरफ्लाइज़ के बारे में और आज हमने क्रमसन रोज़ बटरफ्लाइज़ के बारे में बात की अदरवाइज़ भी देखेंगे हमने बहुत सारे वीडियोज़ पर कवर किए हैं जैसे महाराष्ट्र में फोर्टी फाइव बटरफ्लाई की स्पीशीज़ जो हैं वो मिली अब अरुणाचल की जो स्टेट बटरफ्लाई है वहाँ पर केसरी हिंद को अनाउंस किया गया था मालाबार ट्री निम्फ जो है वो गोवा की स्टेट बटरफ्लाई बनी तो आप देख सकते हैं बटरफ्लाईज पे क्वेश्चन जो है आ सकता है बिकॉज रिसेंटली बहुत अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रीजन की वजह से नई नई स्पीशीज जो हैं वो न्यूज में है क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर पैम्पा क्रिमसन रोज विच बिलोंग्स टू स्वेलो टेल्स फैमिली देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिमसन रोज बटरफ्लाई ओके okay, यहाँ पे ये टाइपिंग गलत हुई है बट दिस इज अबाउट क्रिमसन रोज बटरफ्लाई क्रिमसन रोज विच बिलोंग्स टू स्वेलो टेल्स फैमिली द आयु स्टेटस ऑफ क्रिमसन रोज इज इन डेंजर्ड तो आप यहाँ पे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सही आंसर क्या है या टेलीग्राम में पार्टिसिपेट करके जान सकते हैं Uh, सही आंसर के बारे में कोर्सेज़ के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप वेबसाइट विजिट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और कोड मैंने आपको बता दिया है वीरो थर्टी थ्री और फिलहाल यही कोड आप डबल वैलिडिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच